2019 की चुनावी जंग के लिए एनडीए को एक रखने का बीजेपी का ट्रायल दिल्ली में होने जा रहा है। जी हाँ, मसला है सीट बंटवारे का। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को कमान सौंपी है और जेटली आज दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एलजेपी के रामविलास पासवान के साथ बैठक करेंगे। दो दिन पहले पासवान के बेटे और भाई ने सीटों को लेकर एनडीए से अलग जाने के संकेत दिए थे, लेकिन कल डैमेज कंट्रोल हुआ। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई और आपको ये भी बता दें कि उसके बाद दोनों को मनाने रिझाने की जिम्मेदारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने जो जिम्मेदारी तय की है उसके मुताबिक बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे का जिम्मा अरुण जेटली को सौंपा गया है सूत्रों के मुताबिक। और आज रामविलास पासवान और चिराग पासवान अरुण जेटली से मिलने वाले हैं। अरुण जेटली सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अरुण जेटली ही बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी आज दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह और अरुण जेटली से मिलेंगे। बीजेपी और जेडीयू को 17-17 सीट्स और एलजेपी को 6 मिल सकती हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। सीट बंटवारे पर एलजेपी ने बीजेपी को एक और प्रस्ताव दिया है। इसके तहत एलजेपी ने रामविलास पासवान के लिए असम में राज्यसभा की सीट मांगी है। अगर बीजेपी रामविलास को राज्यसभा की सीट देती है तो एलजेपी बिहार में एक सीट बीजेपी के लिए छोड़ देगी, यानी कि वो 5 सीटों पर ही सीमित हो जाएगी। अगर इन सब मुद्दों पर सहमति बन गई तो 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। सहयोगी के साथ शाह की 2019 की बात, साथियों की नाराजगी के बाद बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, बिहार में कौन बनेगा एनडीए का बिग ब्रदर, सीट बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की नाराजगी के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी मौजूद थे। हालांकि मीटिंग में क्या चर्चा हुई और क्या फैसला लिया गया इस बारे में सभी ने चुप्पी साधे रखी। मुलाकात से पहले रामविलास पासवान ने जरूर कहा कि एनडीए से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है, वो पारत अब ये सब मामला हमने कह दिया, चिराग देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, वही इस संबंध में बात करेंगे, क्या बातचीत होती है नहीं होती है, क्या तक नहीं है, हम लोग अब हैं एनडीए। अमित शाह से मुलाकात से पहले रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी। सवाल यही है कि क्या हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में बीजेपी की हार के बाद सहयोगी सीटों को लेकर ज्यादा मोलभाव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एनडीए की बस से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।